नीचे सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, मेरे कोई जिम्मेदारी नहीं आती है, मैं बता रही हूँ यार यहाँ कोई जान लोग आ गए हैं, मुझे थोड़ा पीछे होना पड़ेगा, डंडा जरूरी है, लेपर स्प्रे भी होना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त कुसुम राणा और आज हम लोग आए हैं देहरादून की एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह जिसको कहा जाता है मिनी बाली। तो देखिए गाइस, आज हमने आपको 10 मिनट में मिनी बाली पहुँचा दिया है। मिनी बाली जो है बहुत खूबसूरत है। एक्चुअली इस रास्ते से मैं बहुत बार अपने कॉलेज गई हूँ। IMS जो मेरा कॉलेज था, हम इसी रास्ते से जाते थे, लेकिन इस जगह के बारे में हमें पता नहीं था। तो मैंने YouTube पे ऐसे सर्च किया था हिडन प्लेसेस इन देहरादून, तो सबसे ऊपर मुझे मिनी बाली दिखाई दिया। तो मैंने सोचा क्यों ना इस जगह को एक्सप्लोर किया जाए, घूमा जाए, देखा जाए कैसा कैसी जगह है। और अभी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये है राजपुर रोड, पैसिफिक मॉल से पहले जो चौराहा पड़ता है उस चौराहे पे है ये। और यहाँ से अगर आप दिलाराम चौक से आ रहे हैं तो यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है। ये आ गई है मेरी फ्रेंड मनु, जो लेने गई थी गुड़िया और गुड़िया की कजन को। और अब हम लोग यहाँ से जाएंगे सब साथ में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे साईं सुकीर्ति का भी बोर्ड लगा हुआ है। इसके अलावा ये जो रास्ता है ये जाता है गुच्चू पानी के लिए भी जाता है और पुरुकुल गाँव के लिए भी ये रास्ता जाता है। वैसे तो अक्सर कॉलेज टाइम पे हम लोग इसी रास्ते से जाया करते थे, लेकिन ये प्लेस मेरे को कभी पता नहीं थी कि ऐसी भी कोई जगह होगी देहरादून में, या जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं मुझे नहीं पता था उसके बीच में ऐसी भी कोई जगह पड़ती होगी। तो जैसे मैंने YouTube पे सर्च मारा तो मुझे ये जगह दिखी, तो मैंने सोचा कि चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं। तो हम लोग निकल पड़े हैं, और इससे पहले भी मैंने अपनी फ्रेंड को काफ़ी बार बोला था कि इस जगह पर चलते हैं देखते हैं क्या है, लेकिन उसने बोला कि मतलब शाम को जाना या सेफ़ नहीं है, क्योंकि जो हमारा ऑफिस है वो 6 बजे के बाद ओवर होता है और तब तक अंधेरा हो जाता है, और अंधेरे में मैं और मनु साथ में जाना मतलब थोड़ा रिस्की हो सकता है। वैसे भी अगर आप अंधेरे में जा रहे हो, उजाले में जा रहे हो, कभी भी जा रहे हो, तो ऐसी जगह पे जब भी जाओ तो ग्रुप में ही जाओ, क्योंकि ऐसी जगह जाना थोड़ा सेफ नहीं है। अगर आपके साथ 10-15 लोग हो या 7-8 लोग साथ में हो तो फिर ठीक है, मतलब आप इंजॉय भी कर सकते हो, डरने वाली कोई बात नहीं। वैसे देहरादून में डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन स्टिल डर तो लगता है। और जो टाइम है सुबह के 6:30 बज रहे हैं, टाइम की बहुत ज़्यादा मतलब कमी है, कमी लगा लो, क्योंकि हम लोग का ऑफिस भी होता है, ऑफिस के साथ साथ ब्लॉग नहीं बन पाते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि मतलब जो हमारा सुबह 9 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद जितना हम लोग ट्राई कर सके, जितना हम देहरादून की जगह एक्सप्लोर कर सके, मतलब जहाँ शाम को जा सकते तो हम वहाँ जाते हैं, और जहाँ हम लोग सुबह सुबह जा सकते हैं तो हम लोग वहाँ पर जाके एक्सप्लोर करते हैं। जैसे अभी हम लोग आए हैं, और यहाँ पे आपको दो रोड दिखाई दे रही है, एक राइट को जा रही है, एक लेफ्ट को जा रही है। तो हमें लेफ्ट वाली पे जाना है, और राइट वाली जो जा रही है वो है राजपुर रोड के लिए, लेफ्ट वाली पुरपुर गांव के लिए जा रही है। और यही जो रास्ता है ये है मिनी बाली का भी, तो अभी हमें जाना है लेफ्ट। यार मनु, इस जगह पे ना हम लोग कॉलेज टाइम पे इतना घूमे, लेकिन आज तक मुझे पता नहीं चल पाई इतनी खूबसूरत जगह पे। हाँ, जो बंक मारते हैं ना वो अक्सर ऐसी जगहों में घूमते हैं, तो मुझे पता ही नहीं था। आप लोग
कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे आप देख लेना ये लगा हुआ है खंबा, ये खंबे से जाना है हमें राइट। चलो मनु, इस जगह पे किसी की टांग फिसली ना वो गया सीधे नीचे। सब अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, मैंने कोई जिम्मेदारी नहीं आनी है यार, यहाँ कोई जानवर ना हो। नहीं, तो यहाँ जाना मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। मम्मी बोल रही, मैं मनु कोई जानवर ना हो यार, यहाँ तो बच्चों आराम से आराम से। क्या क्या नहीं हो रही? नहीं नहीं अरे उसको वो बोलते बे कंडाली। चल अबे यार, तुम लोग तो पहन के आए हो। अरे वहाँ पे रखने के लिए नहीं, पहले आप जाओ फिर मैं बाद में आराम से ही आऊंगी दौड़ दौड़ के। सच में मनु, यहाँ अकेले आना या दो तीन लोगों को साथ में आना है? ये हम लोग जा रहे हैं मिनी बाली। ब्लॉग बनाने आ रहे होंगे वो लोग भी। मनीषा को याद आप देख सकते हैं ये जगह बहुत खूबसूरत है। वैसे यहाँ पे पानी का फ्लो बहुत, मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता, आजकल बहुत ज़्यादा है, अदरवाइज़ लोग यहाँ पे स्विमिंग करते हैं और पानी होता बिल्कुल साफ़ होता है एकदम से, नीचे जो पत्थर होते हैं वो भी दिखाई देते हैं। तो ये है देहरादून का मिनी बाली जहाँ हम लोग आपको लेकर आए हैं। एक्चुअली हम इस रास्ते से बहुत बार जा चुके हैं लेकिन ये जगह मुझे पता नहीं थी, तो मैंने यूट्यूब पर ऐसे सर्च मारा था देहरादून में कौन कौन सी बेस्ट प्लेसेस है, तो मुझे ये जगह दिखी, मतलब एक हिडन प्लेस जहाँ पे बहुत कम लोगों को पता होगा। अक्सर लोग यहाँ से आते जाते होंगे लेकिन लोगों को पता नहीं है ये कहाँ पे है क्या है। अभी फ़िलहाल यहाँ बहुत ज़्यादा पानी है तो लोग यहाँ पे स्विमिंग भी करते हैं, इंजॉय करते हैं, तो आप भी देख सकते हो यहाँ पे ज़रूर आइएगा। लेकिन आप अकेले हो तो अकेले यहाँ पे कभी भी मत आना। वैसे हमें इस जगह पे थोड़ी देर और रुकना था लेकिन मेरी फ्रेंड ने कहा कि ये जगह सेफ नहीं है क्योंकि ऊपर से कुछ लोग थे, तो हमने सोचा यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकलना ही ठीक है।
कैसा एक्सपीरियंस था मनु, शेयर करो। जगह अच्छी थी हाँ, बट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था हाँ, क्योंकि ऐसी जगहों में थोड़ा रिस्की होता है तो इसमें अकेले गर्ल्स को नहीं आना चाहिए। क्या मैसेज देना चाहोगे आप? सेकंड थिंग कि हमेशा ग्रुप में आओ। तो फाइनली हमने मिनी क्या है मिनी बाली एक्सप्लोर कर लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं इस जगह से वापस। मुंह देख के आपको लग रहा होगा मजा नहीं आया, पर आपको मजा आ सकता है अगर आप लोग ग्रुप में आए। और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, वापस जा रहे, देखते हैं।